बच्चों। यस सर। और आवाज आ रही है? यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपके? यस सर। आयुष यस सर। अब देखो इसको एक बार थोड़ा, अब देखो मैं फिर धीरे धीरे बता रहा हूँ। एच आई वी आर एन ए से एच आई वी डीएनए बना, एच आई मतलब वायरस, डीएनए वायरस बोलेंगे। अब परपोषी कोशिका के अंदर ये जो आरएनए, ये जो डीएनए, आवारी बड़ा आवारी, ये जो डीएनए, ये किसका डीएनए? वायरल, मतलब एचआईवी डीएनए, एचआईवी का डीएनए। अथ्रोसाली तो खास अथ्रो तो सही वो बड़ावा नहीं। अब आपने बोला सर ये एचआईवी डीएनए कहां से आया, तो मैं बोलूंगा इसका निर्माण किसने किया? एचआईवी आरएनए ने। कौन सी क्रिया से किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांस, मैं फिर कह रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। और अनुलेखन का आप परिभाषा सुन लो मेरे से, अनुलेखन की परिभाषा सुनो। डीएनए अणु से आरएनए अणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। अब उल्टा सुनो, आरएनए अणु से डीएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? पश्चे या रिवर्स अनुलेखन। तो यहां पर रिवर्स ही हो रहा है ना, रिवर्स ही हो रहा है ना क्षितिज, रिवर्स हो रहा है, क्योंकि डी यानी ये आप देख रहे, ये आप बार बार देख रहे हैं, ये आप बार बार मैं दिखा रहा हूं आपको, ये यहां पर कौन है? आरएनए। और ये आरएनए कौन है आपको ही मालूम है? कौन सा आरएनए? एचआईवी आरएनए, ये रहा। और एचआईवी आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल यानी एक सूत्र, एक धागा। इस आरएनए से किसका निर्माण हुआ बच्चों? डीएनए। और ये डीएनए किसका है? वायरस का ही है, हमारा नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। और ये भी कौन है? सिंगल स्ट्रैंड। देखो बच्चों सिंगल स्ट्रैंड, अब देखो ये अब ये सिंगल, देखो ये रहा एक तो, और एक ये रहा। तो यहां कितने प्रकार डीएनए? दो, एक तो हमारा है ना, मानव का है, राइट। और ये डीएनए अब तक किसके लिए काम करता था? अपनी कोशिका के लिए। अब क्या होगा कि ये जो वायरस का जो डीएनए, वो इस वायरस डीएनए, इस परपोषी डीएनए से क्या हो रहा है बच्चों? देख बताओ बताओ, जुड़कर, क्या करके बच्चों? जुड़कर, जुड़ रहा है। ओके, वो कैसे? वो भी दिखाऊंगा आपको, वो भी दिखा रहा हूं, वो भी दिखा रहा हूं। देखो आप ध्यान दो, ये रहा, देखो ये कौन आपका? ये आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल डबल डबल, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए। और ये सिंगल, तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, देखो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यहां पर आया, और यहां आकर इससे क्या हो गया बच्चों? देखो ये इसके अंदर आगे क्या हो गया? जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया। देखो ये आपका कौन है? डीएनए। और ये कौन है? एचआईवी का डीएनए। ये आकर क्या हो गया? जुड़ गया, राइट। और जुड़ते क्या होगा? अब ये जो डीएनए, परपोजी डीएनए यानी हमारा डीएनए, उस एचआईवी के डीएनए के क्या हो गया? कंट्रोल में हो गया। ऐसा जैसे किसी आतंकवादी ने हमारे देश की सेना को क्या बना लिया बच्चों? बंदी बना लिया। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सेना बहुत ही बहादुर है। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी कभार आतंकवादी हमारे देश की सेना को भी कभी कभार बंदी बना लेते हैं, जानते हो ना, और कुछ समय बाद हमारी सेना उसको मार गिराती है। लेकिन लेकिन ऐसा हो रहा है, लेकिन एचआईवी भी एक कौन आतंकवादी है, और हमारी कोशिका में आतंकवाद करने के लिए आया, और आकर उसने हमारे परपोजी डीएनए जुड़ गया। अब ये परपोजी जो डीएनए, ये परपोजी डीएनए अब किसके लिए काम करेगा? एचआईवी के लिए। किसके लिए? और अब वो डीएनए क्या बनाएगा? देखो भैया, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, राइट। और वो आरएनए कौन से आरएनए होंगे? वायरस आरएनए। और वायरस आरएनए के चारों तरफ क्या जुड़ जाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन और आरएनए जुड़कर क्या बनते हैं? एचआईवी। क्योंकि एचआईवी किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन। बोलो तो बताओ, इस कोशिका, इस मैक्रोफेज कोशिका में आरएनए का निर्माण हो रहा है ना, इसीलिए कोशिका एचआईवी के लिए किसका काम कर रही है? फैक्ट्री का। क्योंकि फैक्ट्री किसे कहते हैं? जहां पर किसी चीज का क्या होता है बच्चों? उत्पादन। समझ आ गया ना? जैसे कोविशील्ड की बात हम करें, सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है, तो वो कोविशील्ड के लिए फैक्ट्री हुई नहीं हुई? तो कोई भी पदार्थ जहां बनता है, वो जगह उसके लिए क्या होती है बच्चों? फैक्ट्री। जैसे स्कूल आप विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की फैक्ट्री है, फैक्ट्री है नहीं आयुष? आयुष, क्योंकि यहां पर इस स्कूल या किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को
भावी जीवन के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो आपका स्कूल आपके जीवन के लिए फैक्ट्री हुई नहीं हुई, क्योंकि आप यही सुधा के निकल के आगे जाओगे, अपने मंजिल पर जाओगे और अपने समाज के लिए काम करोगे। तो यहां पर आप क्या देखोगे, इस कोशिका में एक नहीं बल्कि लाखों एचआईवी का निर्माण होगा, होगा नहीं होगा। तो एक एचआईवी से कितनी कोशिका बनी, अनेक। अब ये एचआईवी अनेक जो कोशिका, ये एचआईवी ये कितनी चली जाएगी, बोलो, अन्य मैक्रोफेज में। अरे जाएगी ना, एक में जा सकती है, अन्य में जा सकती है। और मैक्रोफेज किसमें, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट कौन सी बच्चों, टी लिम्फोसाइट में जाएगी। और टी में कौन सी, हेल्पर में जाएगी, हेल्पर में। और मैं बार बार कह रहा हूं कि लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, लसीकाणु बी लिम्फोसाइट और टी। और बी और टी हमारे शरीर में किसी बाह्य एंटीजन को पहचान कर उसे नष्ट करके में बचाती है। लेकिन होगा क्या, अब ये एचआईवी वायरस, और ये कौन सा एचआईवी वायरस है, संतति। संतति मतलब इस एचआईवी की कौन, संतान। इस एचआईवी की कौन, संतान, नहीं है। और इस एचआईवी का निर्माण कौन कर रहा है, ये कोशिका। और ये कोशिका किसकी है, हमारी। अब ये चीज आपको अलग नजर नहीं आ रही बच्चों, कि जो कोशिका जिस मानव के लिए काम करती थी, वो कोशिका अब किसके लिए काम करेगी, एचआईवी के लिए। किसके लिए काम करेगी बच्चों, एचआईवी। अब तो आ गया, अब ये संतति एचआईवी धीरे धीरे रक्त द्वारा निकलकर कहां चले जाएंगे, शरीर के अन्य लिम्फोसाइट में, बोलो। और वहां जाकर भी यही होगा क्या, हाँ। फिर उसमें भी अनेक वो बनेंगे कि एचआईवी, फिर अनेक एचआईवी से धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर सभी कोशों में, सभी कोशिकाओं में अनेक एचआईवी बनते जाएंगे। और अनेक एचआईवी बनने से हमारे शरीर की सभी जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, हेल्पर लिम्फोसाइट, इन सभी कोशिकाओं में एचआईवी कोशिकाओं का, एचआईवी का निर्माण होगा। और देखते देखते कुछ ही दिनों और कुछ ही सालों में ये एचआईवी इस कोशिका की तरह हमारे शरीर की सभी प्रतिरक्षी कोशिकाओं को अपने कंट्रोल में ले लेगा। और हमारा शरीर या उस व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे क्या पड़ने लगेगा बच्चों, कमजोर। और ऐसी स्थिति में कमजोर जब पड़ेगा तो उस व्यक्ति के शरीर में अवसर पाकर, क्या पाकर बच्चों, अवसर पाकर कई रोगों के रोग जन। अब आप लोगों से कई रोगों का मतलब, हेजा, टाइफाइड, मोतीजरा, डायरिया, कोरोना, जुखाम, पेट दर्द, उल्टी आदि रोगों के रोगजनक इसमें प्रवेश करेंगे। और इन रोग, और ये सबके सब रोगजनक है, और इन रोगजनकों की इस प्रवेश को बच्चों हम क्या बोलेंगे, अवसरवादी संक्रमण। ये ध्यान से सुनना, अब आपके दिमाग वाला सर अवसरवादी क्यों बोला आप लोगों ने, अवसरवादी क्यों बोलेंगे, क्योंकि उस संक्रमित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या पड़ चुकी है, कमजोर, कॉजिंग टू एचआईवी। किसके कारण बच्चों, एचआईवी के कारण। और मैंने बता दिया कि एचआईवी वायरस, एक वायरस, एक एचआईवी, एक कोशिका, मैं आपको शरीर के अंदर एक को दिखा रहा हूं, तो क्या आपके शरीर में ऐसी एक ही कोशिका है, आपकी बॉडी में इस प्रकार की लाखों अरबों कोशिकाएं। तो सर एक कोशिका में एक एचआईवी आने से सोचो वो कोशिका एचआईवी का निर्माण के लिए फैक्ट्री बन जाएगी, तो बाकी कोशिकाएं भी क्या बनेगी, फैक्ट्री। और फैक्ट्री क्यों बोलूंगा, क्योंकि उस कोशिका का डीएनए इस वायरस डीएनए से जुड़कर अब ये डीएनए इस एचआईवी का निर्माण करेगा। इसीलिए इस मैक्रोफेज कोशिका को हम एचआईवी की फैक्ट्री कहते हैं। तो मैं समझता हूं बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये एचआईवी धीरे धीरे शरीर की अन्य कोशिकाओं में जाकर भी इसी प्रकार की क्रिया दर्शाएगी, वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए, फिर ये वायरल डीएनए परपोस डीएनए जुड़ेगा, फिर परपोसिव डीएनए क्या बनाएगा बच्चों, वायरल आरएनए बनाएगा। और वो क्रिया क्या होगी, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि सूचना कितने जाएगी, डीएनए से आरएनए। ये कौन है, डीएनए, और ये कौन है, आरएनए, ओके। और ये आरएनए जो बनेगा, ये कौन सा आरएनए, एचआईवी आरएनए, एचआईवी आरएनए, कौन सा, सेम इसकी तरह, सेम डिक्टो। तो ये इसका डिक्टो हो गया, लेकिन इसका निर्माण इसने नहीं किया, बल्कि इसका निर्माण इसने किया। और किसने करवाया, इसने करवाया इसके द्वारा, जो मैं पूरा अपेक्षा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब क्लास ज्यादा लंबा फटाने से कोई फायदा नहीं है, समझ में आ ही जाना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि अब कमजोर होगा व्यक्ति, दूसरे अनेक लोग जब प्रवेश करेंगे। और ये इसीलिए मैं कहता हूं कि एड्स, एचआईवी नामक वायरस से उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी,
मृत्यु होगी इन रोगों से, हेजा, हेजा का जो जीवाणु होगा विब्रियो कोलेरी जाएगा तो ये व्यक्ति का शरीर इसको मार नहीं पाएगा और उसमें हमेशा हेजा बना रहेगा, टीवी है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया आदि रोगों से गिर जाएगा, निमोनिया। और शायद ये मानते हैं कि एचआईवी या एड्स का सबसे आखिरी रोग अगर कोई है तो वह सीवर निमोनिया है। कौन सा है? सीवर निमोनिया। ओके बच्चों, और सार्कोमा भी है, सीवर और सार्कोमा, इसकी वजह से लंबे समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि एड्स को हम क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ वारंट बच्चों, यानी मृत्यु का वारंट, या मृत्यु का परमाना कहते हैं। वारंट तो जानते होंगे आप लोग, जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वारंट निकलता है, आपके आप फिल्म देखा होगा कि आपके पास वारंट है क्या, तो वारंट का अर्थ है कि उसके लिए उसके खिलाफ कोई ना कोई सूचना या उसके लिए कोई ना कोई आदेश निकला है। तो अगर किसी व्यक्ति में ऐसा होता है तो उसे हम बोल क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ वारंट या मृत्यु का परमाना कहते हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, एड्स का केवल बचाव ही उपचार। आई थिंक बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बार बच्चों अपने वीडियो को ऑन करो, एक बार आप लोग साक्षी शर्मा वीडियो ऑन कीजिए, आप लोग धारवी खांडल, धारवी धारवी अपने वीडियो को ऑन करो बच्चों, ऑन करो बच्चों, साक्षी शर्मा वीडियो को ऑन कीजिए, आप लोग वीडियो को ऑन कीजिए, नहीं हो रहा वीडियो आपसे ऑन। विजय कुमावत, मोनिका प्रजापत, साक्षी शर्मा, साक्षी निर्मल, निर्मल समझ आ रहा है क्या? ठीक है, एक बार थंब दिखा दीजिए कि सर समझ में आ रहा है। नालायक अंगूठा दिखाते हैं सर, सर चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों समझ, साक्षी समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अमन, अमन कुमार, धारवी खांडल का है, धारवी धारवी, जय श्री सारी, शंकरलाल यादव, ये समझ में आ गया क्या आपके? आज का टॉपिक क्या है? कोनिका कुमावत, कनिष्का, बच्चों अपने वीडियो को चालू करो एक बार, धारवी खांडल आवाज, हाँ समझ आ रहे हैं आप? तो नानी के चले गए घूमने के लिए, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा घूमो आराम से, पढ़ाई भी करो आप, है ना, रेगुलर रेगुलर पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। आवाज को आप लोग अनम्यूट करो एक बार, अनम्यूट करो आवाज को, समझ में आ गया आपकी, समझ में आ गया आपकी, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अब क्लास आज की हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, क्लास आज की हम लोग क्लास कल कर रहे हैं ना, कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं।